तो अब हम सबसे पहले इसमें इसकी बॉडी में कलर करेंगे, स्किन कलर। तो मेरे पास तो ये पेंसिल कलर है स्किन कलर का, मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। मुझे पता है अभी आप सबके पास स्किन कलर नहीं होगा, सबके पास कलर्स नहीं होंगे पूरे। तो वी विल बी यूजिंग दिस ऑरेंज कलर। इसमें ज़्यादा पानी मिला लेंगे क्योंकि वाटर कलर कर रहे हैं, और इसी को ही हम यूज़ करेंगे स्किन कलर के लिए, ठीक है। एंड देन मेरे पास ये ब्रशेज़ हैं, एक 5 नंबर का ब्रश है और एक नंबर का ब्रश है। पानी है कलर के लिए, मैंने प्लेट लिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कलर करने से पहले थोड़े से फीचर्स और देख लेते हैं। देखो ये जो फैशन फिगर्स होती हैं, मॉडल्स होती हैं ना, बहुत पतली होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती होती हैं, तो यहाँ पर तो हमने शेड देनी है, ठीक। इनकी ये जो सेंटर, अपना जो बॉडी का सेंटर पार्ट होता है, थोड़ा सा ये पता चलता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज करने की वजह से इनके थोड़ी सी मैं हल्की हल्की सी लाइन्स खींच रही हूँ, सिर्फ शेडिंग के पर्पज़ से। देख भी रहा है इतनी ऊपर से, मैं तो पास ले आऊँ, सॉरी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ये दिखती है इनकी, और ये जैसे एक्सरसाइज वगैरह करने से एब्स बन जाती हैं, हाँ, थोड़ा सा पेट की मसल्स दिखती हैं हल्की सी। ये सिर्फ शेड देंगे इससे, डार्क कलर से। मैं पेंसिल से इसलिए कर रही हूँ कि हमको याद रहे, ये दिखता रहे। एंड घुटनों पर थोड़ा सा, ठीक, ये तो हमने बस इतना सा दिया है, ये बस हल्का सा पेंसिल से कर रही हूँ। इसको हम सिर्फ कलरिंग से शेडिंग देंगे, ठीक है। और थोड़ा शेडिंग के बारे में बता दूँ, जब हमारी बॉडी, जैसे हम सामने से खड़े हैं, तो ये जो सेंटर सेंटर का पार्ट होता है, यहाँ पे शाइन रहती है सेंटर सेंटर में, ठीक है। और बॉडी ऐसे गुलाइली होती है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ साइड्स में डार्क होगा, यहाँ डार्क शेडिंग होगी साइड में, यहाँ, ठीक है, साइड साइड में सब जगह डार्क शेडिंग होगी। एंड सेंटर सेंटर, चेहरे से लेके बॉडी तक पूरे में सेंटर सेंटर में शाइन रहेगी, लाइट लाइट टोन रहेगी। तो सबसे पहले हम लाइटेस्ट टोन यूज़ करेंगे पूरी बॉडी में, उसके बाद शेडिंग करेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, ठीक है, ज़्यादा ही निकल गया, हाय भगवान, इतने की तो ज़रूरत भी नहीं है। ऑरेंज कलर लिया है एंड ज़्यादा सारा पानी, ठीक। अभी हम कलर में डिप नहीं कर रहे हैं, अभी हमने क्या करना है, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो चेहरा और इसका बॉडी का पार्ट छूट गया, मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रश को पानी में गीला कर लेना है, ठीक है। एंड कोई कलर यूज़ नहीं करना, ब्रश को पानी में गीला करके, ये जैसे इसकी बॉडी है इधर, हाँ, इसमें हमने गीला ब्रश, बस हल्का गीला, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कि बिल्कुल तैरा दो इसको, बस जैसे पानी में डिप करना है, इसको पोंछ लेना है एंड यहाँ पे फेर देना है, फिरा देना है पूरा गीला ब्रश। उसके बाद हम फिर से ये कलर में इतना सा ऐसे बस टच करेंगे, पानी पानी सा जो ये है, बस हल्का सा, हाँ सॉरी, ये ऐसे हल्का सा पानी पानी सा टच करेंगे इसका। बहुत ऐसे ज़्यादा ज़्यादा कलर नहीं लेना, हल्का सा कलर लेना है। एंड इसमें हम ऐसे कलर करेंगे, देखो आ रहा है कलर, कैन यू सी, बस इस तरीके से हम वाटर कलर करते चलेंगे। बहुत गड़ा गड़ा के नहीं करना है, वाटर कलर ऐसे होता है जब ये अपने आप सूख जाएगा तब अपने आप एक शेड सी दे देता है ये, ठीक है। ये हो गया, अब हम फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। अरे यार, जब ये सूखेगा अपने आप इसकी लुक आ जाएगी, ठीक है। अब हम फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, गीला ब्रश पोंछ लिया, मतलब पोंछा नहीं है, गीला ब्रश ऐसे साइड से हल्का सा पोंछ लिया। एंड यहाँ पर हम प्लेन बिल्कुल पानी ऐसे फिरा देंगे, ब्रश को फिरा देंगे। देन फिर से कलर में हल्का सा लेंगे कलर प्लेट से, एंड देखो मैं कितना सा कलर ले रही हूँ, ये ऐसे बस ये हल्का सा कलर ले रही हूँ। एंड इसके ऊपर करते चलेंगे, शिट ज़्यादा लग गया, ये इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। पता नहीं कैसे मैं भूल गई ऑन करना। अब हम फिर से इसकी बॉडी में करेंगे, ये मैंने ऐसे ब्रश को धो लिया, ठीक है, धो लिया और पोंछ लिया। पोंछने के बाद इसकी बॉडी में बस गीला ब्रश मैंने फिरा दिया सारे में, ठीक है। बहुत नहीं, बहुत गीला नहीं करना है, वाटर कलर ऐसा ही होता है, पहले हम बेस को गीला कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रश को गीला करेंगे हल्का सा कलर, जैसे मैंने हल्का सा यहाँ पे टच कराया कलर को। एंड ये वाटर 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 में प्लेट में से थोड़ा सा ऐसे लेके वाटर वाटर में ऐसे मिक्स कर लिया, ठीक। एंड अब इसकी बॉडी में हम यहाँ कलर करेंगे, बस ध्यान रखना है बाहर ना निकले कलर, गो स्लो। वाटर कलर बहुत जल्दी जल्दी करने होते हैं, फ़ैन बंद रखना अपना, क्योंकि ये सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर लुक नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गई इसकी बॉडी, अब हम इसकी लेग्स में भी कलर करेंगे, ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। पहले वाटर, ठीक है, फिर कलर, फिर से वाटर, पहले वाटर, और पानी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए,
ठीक है, जो पानी से भी शेड दे रहे हैं वो बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड देन कलर जी, अब इसे ड्राई होने देंगे, पंखा चला देते हैं और इसे सूखने देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसमें शेडिंग देने का। अब ये मेरी जो पेंटिंग है सूख गई है, ठीक है। ये मैंने पहले 5 नंबर के ब्रश से ये पूरी बॉडी में इसके एक साथ कलर कर दिया है। टेक्निक बता दिया है, पहले हम शीट को गीला करते हैं, ठीक है, उसके बाद कलर कर लेते हैं फटाफट। फैन बंद करके करना है, ना पानी बाहर निकले ना कलर बाहर निकले आउटलाइन से। अब ये 1 नंबर का ब्रश है, इससे हम शेडिंग करेंगे, ठीक। ओह नो, मैं नहीं खेल रही, मैं फिर से फेस में शेडिंग दे दी और ऑन करना भूल गई। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्या किया चेहरे में। देखो मैंने क्या किया था, ये मेरी मिक्सिंग पैलेट है, इसमें मैंने ब्राउन कलर का वाटर ले लिया, ऑरेंज कलर का वाटर ले लिया, ठीक है, और इनको ऐसे मिक्स कर करके ये ज़्यादा ज़्यादा वाटर ले लिया है, ठीक है। ज़्यादा वाटर लेने के बाद अब मैं चेहरे में इसके शेडिंग दूंगी। मैंने क्या किया, सिर्फ साइड से लिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने इस तरीके से शेड किया ऐसे, ठीक है। एंड देन फिर मैंने यहाँ से यहाँ ला के मर्ज कर दिया। मैं कर ही देती हूँ, कोई बात नहीं, चेहरा थोड़ा काला ही तो हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके मैंने ये शेड दिया ऐसे और थोड़ा सा ऐसे किया, ठीक है। फिर से हमने कलर लिया, फिर से हमने यहाँ से ऐसे किया। ये चीक बोन ले रही हूँ मैं, ऐसे जो ले रही हूँ, ठीक है। एंड ये हमको सिर्फ साइड साइड में शेडिंग देना है। एंड इसी कलर से हम अपना कानों में भी कलर कर देंगे, कान भी डार्क होंगे ना, सिर्फ बीच बीच में से चेहरा जो है हमारा। अब मैंने ब्रश को धो लिया अपने, एंड ये जो चेहरे पे आ रहा है इसको बस थोड़ा सा ऐसे क्लीन कर देंगे, ठीक है, और बीच में से यहाँ पर ये क्लीन कर देंगे, दैट इज़ इट, ठीक है। ये मेरे चेहरे की शेडिंग हो गई, समझ में आ गई ना। अभी पहले भी मैं पता नहीं क्यों कैमरा ऑन करना भूल जा रही हूँ और बक बक करके मैंने चेहरे में कलर कर दिया था। अब आगे चलते हैं, आई होप इतना समझ में आया फेस में क्या करना है। साइड साइड में डार्क शेडिंग और डार्क कलर कैसे बनाया है, ब्राउन एंड ऑरेंज, पापा एक मिनट, ब्राउन एंड ऑरेंज मिक्स करके बनाया है, ठीक। फिर से वही स्टेप्स दोहराएंगे, ब्राउन का वाटर ले लिया इधर ऐसे हल्का सा टच करके, एंड ऑरेंज का वाटर ले लिया, ठीक है, ये ऑरेंज वाले का हल्का सा वाटर ले लिया, ये मैंने पानी 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 कर लिया। पहले हमने क्या किया था, और ज़्यादा पानी ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इसको गीला किया था फिर कलर किया था। अब हम इसको गीला नहीं करेंगे, अब हम कलर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन वाटर ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेड आ रही है ना, चिन के नीचे का हिस्सा डार्क होता है, शेड आ रही होती है चिन के नीचे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डार्क कलर ले लेंगे, ठीक है। फिर हम ऐसे ये साइड्स डार्क करते हुए आएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये जो हमारा कॉलर बोन होती है यहाँ तक, ठीक है, ये गड्ढा पड़ रहा होता है यहाँ पे, ये हमने कर लिया। अब हम ब्रश को धो लेंगे एंड गीला ब्रश ऐसे फहरा देंगे यहाँ पर इतने में, ठीक। अब हम फिर से यही जो हमने ऑरेंज और ब्राउन कलर का वाटर जो बनाया था इसको फिर से ले लेंगे, ठीक। एंड पापा आ रही हूँ यार मेरे, अब हम यहाँ से ऐसे आएंगे, सिर्फ साइड साइड में शेडिंग देंगे, ठीक है। अगेन ये जो भी करना है हमको फैन बंद करके करना है, ठीक है। ये हमने इधर बाहर बाहर शेडिंग दे दी। अब ये जो फिंगर्स हैं अंदर की तरफ हैं, जो चीज़ अंदर की तरफ होती है वो डार्क दिखती है, शेड आती है वहाँ पे, फिंगर्स भी हमने डार्क कर दी। अब हम फिर से ऐसे करेंगे, अपना ऑरेंज और ब्राउन कलर का वाटर ना मिक्स करते रहेंगे बार बार। एंड अब हम यहाँ ये जो है ना अंडर आर्म, यहाँ पर भी डार्क होता है, शेड आ रही होती है, ठीक। अब इसको भी हम ऐसे ऐसे और ये हमने शेड दे दिया, ठीक है। बस वाटर ज़्यादा रखना है एंड इसे अपने आप सूखने देना है, ठीक है। फैन अब हम सेम प्रोसेस से दूसरी बाजू कर लेंगे, ऑरेंज कलर का वाटर, ब्राउन कलर का वाटर मिक्स किया और यहाँ पर भी हमने ऐसे शेड देते हुए आ जाएंगे, इसको बस मिक्स कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम हैंड्स में शेड दे देंगे ऐसे, ठीक, और ऐसे यहाँ अंदर। हाँ पापा यार रट्टा मत लगाओ। फिर यहाँ पर ये ऐसे कर लिया हमने और ऐसे कर लिया, ठीक है। एंड ये अंदर के फिंगर्स डार्क कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रश को एकदम धो लेंगे, थोड़ा सा पोंछ लेंगे एंड बीच का जो पोर्शन है यहाँ पर हम वाटर ऐसे चला देंगे, ठीक है। और इधर भी जो ये ऐसे करके आ गया ना, ये हमको वाटर एंड कलर को मिक्स कर देना हल्का सा, ठीक है जी। इतना समझ में आया, हो गई शेडिंग। अब थोड़ा सा हम क्लीवेज पे भी वाटर एंड ऑरेंज कलर मिक्स, सॉरी ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का वाटर मिक्स करेंगे एंड यहाँ पर ये ऐसे करके हम शेड दे देंगे, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। ओह नो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
ऑरेंज का वाटर, येलो का वाटर फिर से लेंगे। अब क्या था, देखो ये हमारा उभार होता है यहाँ पर, जब उभार है तो इसके जस्ट नीचे शेड आएगा ना, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे पूरे में हम ऐसे करके शेड देंगे, ऐसे करके आया ही नहीं कलर, ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शेड दे दी हमने, ठीक है, दिख रहा है ना। अब फिर से ब्राउन का वाटर ऑरेंज का वाटर मिक्स करेंगे, जो ये पार्ट है ये जो मैंने शेडिंग के लिए दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऐसे करके शेड दे दिया, ऐसे आ गए। फिर यहाँ पर जो हमने दिया था यहाँ भी हम ऐसे करके शेड दे देंगे, ऐसे, ठीक है, शेड को ऊपर लेके चलो ऐसे। एंड ब्राउन और ऑरेंज मिक्स करेंगे, ये शेड देंगे, फिर ये सेंटर बॉडी ये शेड देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ब्राउन एंड ऑरेंज का फिर से वाटर वाटर मिक्स करेंगे, और साइड बॉडी, साइड बॉडी बताया था ना कि साइड साइड में रहेगा हमारा सारा शेड, और सेंटर सेंटर से पापा मम्मी यहाँ पर हम ये कर लेंगे, डार्क कर लेंगे इधर, ठीक है, और यहाँ पर भी इधर डार्क कर लेंगे, सेंटर में कुछ नहीं। अब जो नाभि है नाभि को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करेंगे, तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा ले लेंगे अब हम ऑरेंज और येलो वाला, एंड इतना हिस्सा बस ऐसे करके ये कर लिया हमने। इतना समझ में आ रहा है, लग रही है ना मस्त। अभी आ रही हूँ ज़रा 2 मिनट, पापा को चाय दे। अब हम फिर से नेक्स्ट कलर करेंगे, ठीक है, फिर से ऑरेंज एंड ब्राउन का वाटर वाटर से लेंगे, एंड ये जो हमारी बाजू के अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डार्क होता है, मतलब ये हमारा कैसे बताऊँ, एक मिनट रुको तो ज़रा, ये वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा, ये ऐसे करके देखो शेड है ना यहाँ पर, ये डार्क है ना, तो